हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास, क्लास टेंथ. दिस इज़ योर वीडियो नंबर 48, क्लास टेंथ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड अवर सॉल्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ठीक है बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, कौन कौन से किस फॉर्मूले में अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगे, या फिर क्या उस अगर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद अगर हम किसी भी कंपाउंड को अगर हम हीट करते हैं तो उसमें क्या चेंज होते हैं, उनके कलर्स में क्या चेंज होते हैं, तो उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे. चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट मींस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस क्या होता है बच्चों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का जो मीनिंग है, इसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं बच्चों, इन्हें हम जो हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आते हैं. ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टडी करते हैं इसके बारे में. ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ए क्रिस्टलाइन, ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट मॉलिक्यूल डेट इज loosely attached, that is loosely attached to a certain number of water molecules, water molecules, yani a crystalline salt मॉलिक्यूल जो आपका लूजली अटैच होता है किसी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से. These water molecules are incorporated into crystals of salt. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनकॉर्पोरेट इनटू जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट में आपका पाए जाते हैं, और यही मॉलिक्यूल जो हैं, ठीक है, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को ही हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे इसमें. ठीक है, जो आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, सभी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका मेन पॉइंट है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इसे. एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैज ए डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, सभी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं. ठीक है,
in its one formula unit, यानी एक फॉर्मूला यूनिट में फिक्स नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखेंगे सभी। एग्जाम्पल्स ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं जैसे वॉशिंग सोडा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वॉशिंग सोडा तो बच्चों वॉशिंग सोडा का जो नेम है क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है बच्चों, तो इसमें कितने मोल्स हैं? यहाँ पर 10H2O हैं। ठीक है, और इसका कैसा कलर होता है, यहाँ पर मैं कलर मेंशन कर देता हूँ तो ताकि आपको एक ध्यान रहे। तो इसमें जो कलर पाया जाता है ये वाइट कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों? वाइट कलर का होता है। कौन? वॉशिंग सोडा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड बोरेक्स जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखें यहाँ पर Na2P4O7.10H2O। इसमें भी 10 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है। इसका कलर कैसा होता है बच्चों? वाइट होता है इसका भी। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड आप देखें यहाँ पर बच्चों, नंबर थर्ड इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं ब्लू विट्रोल के बारे में। ब्लू विट्रोल, ये नाम आपसे काफी बार पूछा जाएगा बेटा एग्जाम में। ब्लू विट्रोल किस कलर का होता है, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों ब्लू विट्रोल का? तो बच्चों आपसे ये पूछा जाता है, ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला होता है बच्चों CuSO4.5H2O। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपके पाए जाते हैं बच्चों 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू विट्रोल का ब्लू कलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, पॉइंट नंबर 4, एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों, ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। तो बच्चों इसमें आपके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितने हैं बच्चों? 7 आपको बताए गए हैं। और ये कैसे रंग का होता है बच्चों? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम, नंबर 5 जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CaSO4.2H2O। पढ़ा था बच्चों, ध्यान आ रहे हैं? ठीक है, तो किस कलर का होता है ये? वाइट कलर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, नंबर 6 प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? CaSO4.5H2O। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के आपके मॉलिक्यूल कितने हैं बच्चों? 1/2 हैं। तो ये कैसे कलर का होता है बच्चों? वाइट कलर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं। ठीक है, ये एग्जांपल सभी बच्चों को अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी बच्चे ने याद करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए यहाँ पर आपके जो है फॉर्मूला के साथ जो भी आपको जो साल्ट गिवन है उसके साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है इसके साथ में पाया जाता है। जो भी आपके मोल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम जो फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, ये साल्ट को कैसा रखते हैं बच्चों? ये साल्ट को वेट रखते हैं। कैसा रखते हैं बच्चों? गीला रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। जो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है यहाँ पर हम नोट कर देते हैं इसे। ठीक है, नोट पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान दें। नोट पॉइंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री, ये फ्री नहीं होते हैं। इट डज नॉट वेट द साल्ट, वेट
द साल्ट, तो ये साल्ट को गीला नहीं रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था गीला रखते हैं, लेकिन आपको ये जो है ध्यान रखना है कि जो भी आपके फॉर्मूला के अंदर ये साल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सोल्यूशन है। ठीक है, ये आपका बच्चों साल्ट होता है, फॉर्मेशन में होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था बच्चों आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसे मैंने आपको बताया किसी भी क्रिस्टलाइन साल्ट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लूजली अटैच टू ए सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट, और हाइड्रेटेड सॉल्ट को ही हम बोलते हैं बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सभी बच्चे नोट करें, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों स्टडी करेंगे हम यहाँ पर, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, कि हीट का क्या नाम है, हीट जो है हाइड्रेटेड सॉल्ट पर किस तरीके से उसका एक्शन होगा, अगर एक्शन होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब हम हीट देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, द साल्ट विच इज हीटेड, it will lose its water of crystallization, molecules। ठीक है स्टूडेंट, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उनको लूज कर देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली, एंड कॉल्ड एज, और उस टाइम पर इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट क्या है, यानी जब साल्ट को जब हीट किया जाता है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, कौन से सॉल्ट हैं बच्चों, हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, या उनको जब हीट करते हैं तो उनके वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो आपके लूज हो जाते हैं, और वाटर उसमें से लूज हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं बच्चों एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं CuSO4.5H2O। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिया, एंड जब हमने इसको क्या किया बच्चों, हीट किया। ठीक है, हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, CuSO4+5H2O, ये आपका वेपर बन के आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, एंड इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या था आपका बच्चों, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ये आपका ब्लू कलर में था। ठीक है, एंड ये आपका जो एनहाइड्रस होने के बाद ये वाइट कलर का रह जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड जो आपका मैंने आपको इसमें ये बता दिया, और ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जब हम इसे हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने इसमें देखा वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे डिटैच हो चुके हैं, इसे हम एनहाइड्रस सॉल्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, हाइग्रोस्कोपी क्या है बच्चों, देखें यहां पर हाइग्रोस्कोपी क्या होती है बच्चों, दो सब्सटेंसेस विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। यानी बच्चों वो सभी सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फेयर एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी, उसे हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहते हैं। एंड
is known as hygroscopy. ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपी कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ. इसमें आपको हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, किस चीज़ का एग्जांपल है जो आपका हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस में आते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, ये आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ में जब रिएक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड भी लेते हैं, एनहाइड्रस क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा आर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस. ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी एटमोसफेयर से ऑक्सीजन लेकर क्या कर देते हैं बेटा, ये जो है, these substances which absorb moisture from the atmosphere at ordinary temperature are called hygroscopic substances. ठीक है बच्चों, next हम देखते हैं यहाँ पर, ये important है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे. deliquence क्या होता है, deliquence, deliquescence. ठीक है बच्चों, deliquescence क्या है, इसमें देखें बेटा सभी स्टूडेंट्स, दो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ordinary temperature and ultimately dissolve in the absorbed water to form a solution, is called deliquescent substance. ठीक है बच्चों, एंड इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डेलिक्वेसेंस. ठीक है स्टूडेंट्स, डेलिक्वेसेंस क्या है तो इसके बारे में आपको इसमें पता चला बच्चों. एग्जाम्पल देखें बेटा, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस इसमें आते हैं डेलिक्वेसेंस में. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल KOH, NaOH, तो बच्चों नाम तो पता चल रहे होंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये आपके डेलिक्वेसेंस या सब्सटेंस हैं. ठीक है बच्चों, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस हैं, और जो ये फिनोमिना ये दिखाते हैं उसे हम बोलते हैं डेलिक्वेसेंस बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, नोट करिए सभी. नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका नंबर थर्ड पॉइंट, एफोरसेंस क्या है, एफोरसेंस. ठीक है बच्चों, यह इसमें किस तरह के साल्ट्स आते हैं. ठीक है, देखें बेटा यहाँ पर आप, सर्टीन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स when exposed to atmosphere at ordinary temperature lose their water of crystallization
either partially or completely, partially or completely such substance सच सब्सटेंस जो सब्सटेंस है बच्चों वो क्या है सॉल्ट्स हैं सच सब्सटेंस आर कॉल्ड उन्हें हम बोलते हैं इफोरसेंट सब्सटेंस इफोरसेंट सॉल्ट ओके स्टूडेंट्स एंड दिस फिनोमिना एंड This phenomenon is called efflorescence. ठीक है बच्चों इसे हम efflorescence कहते हैं ठीक है बच्चों एंड ये जो हमारे सॉल्ट्स हैं उन्हें हम efflorescence सॉल्ट कहते हैं Such salts are called efflorescent salts. क्या बोलते हैं बच्चों efflorescent salts ठीक है बच्चों यहां पर कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों देखें यहां पर एग्जाम्पल में कौन कौन से salts आ सकते हैं वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा एप्सम सॉल्ट एक्सेट्रा ठीक है स्टूडेंट इन्हें हम बोलते हैं एफोरसेंट सॉल्ट्स ठीक है स्टूडेंट्स तो ये था बच्चों आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो मैंने आपको इस क्लास में मैंने पढ़ाया ठीक है बच्चों सभी बच्चों को अच्छे से रिवाइज हो गया होगा नोट करिए बेटा सभी यहाँ पर ठीक है चलिए बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लेते हैं ठीक है अभी हमारे पास में क्या नाम है थोड़ा सा स्पेस भी है यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ कराता हूँ सभी बच्चे ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है मैच करते हैं चलिए बच्चों मैचिंग करते हैं मैच द फॉलोइंग ठीक है स्टूडेंट्स चलिए आपका देखते हैं आपने इस चैप्टर में क्या सीखा है ठीक है मैंने आपको ये ए कॉलम दिया है एंड दिस इज योर बी कॉलम ठीक है स्टूडेंट्स तो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ सबसे पहले फॉर्मिक एसिड नंबर फर्स्ट पे फॉर्मिक एसिड नंबर सेकंड सिट्रिक एसिड नंबर थर्ड लैक्टिक एसिड नंबर फोर एसिटिक एसिड नंबर फाइव ऑक्सैलिक एसिड एक और एसिड बताइए बच्चों कौन सा लें नेक्स्ट हम ले लेते हैं टार्ट्रिक एसिड ले लेते हैं ठीक है स्टूडेंट्स टार्ट्रिक एसिड ठीक है स्टूडेंट्स चलिए मैं इसके कुछ ऑप्शंस आपको जंबल में दे देता हूँ जिससे आपको पता लगाना है विनेगर टायरामिड आंटिस्टिंग नंबर डी कर्ड नंबर ई लेमन एंड नंबर एफ और ई को ले लेते हैं हम आपका टोमेटो ठीक है स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं क्या नाम है आप इसमें से कितना सही बताते हैं चलिए बच्चों स्टार्ट करें फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है ठीक है फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है बच्चों ध्यान से सोचिए विनेगर टायरामिड एंटिस्टिंग कर्ड लेमन टोमेटो किस में ठीक है मैंने आपको बताया था याद करने की कोशिश करिए बच्चों फॉर्मिक एसिड हमेशा किस में होता है बच्चों एंटिस्टिंग में होता है किस में होता है एंटिस्टिंग में होता है क्लियर है तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट का ठीक है अब आता है सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है बच्चों सिट्रिक एसिड आपके खट्टे जो फलों में इसमें पाया जाता है तो लेमन आ सकता है बच्चों इसमें आपका लेमन ही आएगा और तो कुछ है नहीं है
ठीक है। लैक्टिक एसिड तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, लैक्टिक एसिड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। तो लैक्टिक एसिड में हमेशा क्या होता है बच्चों, आपका या तो मसल्स में पाया जाता है या इकार्ड में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इकार्ड में हो गया, यहाँ पर कार्ड गिवन है। एसिटिक एसिड किस में होता है बच्चों, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, टोमेटो टैरेमिट एंड विनेगर, ठीक है बच्चों। तो आपके पास में एसिटिक एसिड पाया जाता है बच्चों विनेगर में, किस में होता है विनेगर में, सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। एंड लास्ट में आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है, ये इसमें किस में पाया जाएगा देखें, ऑक्जैलिक एसिड किस में होगा, ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है बच्चों टोमेटो में, किस में होता है टोमेटो में, सभी बच्चे ध्यान रखें। ऑक्जैलिक एसिड आपका किस में होता है टोमेटो में होता है। टार्ट्रिक एसिड, अब जो बच्चों एक ही रिमेनिंग बचा है तो आप इसमें देख सकते हैं, टार्ट्रिक एसिड आपका किस में है बच्चों टैरामिंड में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप जो है कुछ मैचिंग्स, आपके फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, और क्या नाम है आपके MCQs, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से रिवाइज करेंगे बच्चों। NCERT की बुक में भी आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिवाइज करें बच्चों। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सभी क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर कवरेज कराने की पूरी कोशिश करी है, फिर भी आप NCERT के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, ठीक है। NCERT की एक्सरसाइज से आप क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। सारे पूरे कंप्लीट चैप्टर को आप अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करिए, मिडिल में जो क्वेश्चन दिए रखे हैं उनको आप अटेम्प्ट करिए। सारी वीडियोज़ जो आपने अच्छे से देखी हैं और जो आपने कॉपी में नोट कर लिया है, ठीक है बच्चों, अगर नहीं किया है तो बेटा आप कॉपी में नोट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आप जो पेपर के टाइम पर आप अच्छे से कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से आप रिवाइज कर सकें, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखें मेरी सारी बातों को, ठीक है। अच्छे से ये चैप्टर आपको हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो आपका केमिस्ट्री का ही चैप्टर होगा बच्चों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये चैप्टर नंबर सेकेंड आपका कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। आप अच्छे से रिवाइज करें, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। आपके फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, सेकंड टर्म की पढ़ाई शुरू हो गई है, ठीक है। जो आपकी अब बोर्ड के लिए पूरा सिलेबस आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड ये बात अपने माइंड में ज़रूर रखें बेटा कि बोर्ड की अगर प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो नोट्स आपकी कॉपी में नोट होंगे, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बोर्ड की तैयारी के लिए आप अपनी कॉपी में सारे नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए, जो भी होमवर्क आपको गिवन होता है उसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करिए, बुक में एग्जांपल दिए हैं उन्हें आप अच्छे से देखिए, ठीक है। ये मैचिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो भी आपके क्या नाम बुक में दिए हुए हैं, जो आपको क्लास में यहाँ कराए जा रहे हैं, उन्हें आप अच्छे से देखिए, रिवाइज करिए, क्योंकि बच्चों एग्जाम में आपके सभी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और उन सभी तरह के क्वेश्चंस के किस तरह के आपके जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर पूरी कोशिश है उनको क्वेश्चंस को हम यहाँ पर ले रहे हैं, ओके। इसमें आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू बच्चों।